हेलो। हाँ, हम बस आ रहे हैं। हेलो, सुन लिया मैंने। हे परा, क्या मेरे पास आ जाओ। आज संगत की रुखसती है, मुझसे अकेले नहीं होगे। मेरे सामने मेरी जैसी फिर आ गई। रुको, कहाँ जा रही हो? यहीं पास। कहाँ? आसपास? नाजिया की तरफ। तो ये झूठ क्यों बोल रही हो तुम? कैसा झूठ? मैंने सब सुन लिया है। आयशा का फोन आया था ना, जब से तुमने फोन सुना है तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है, रंग उड़ा हुआ है। हाँ, वो संगत का चेकअप है, भाभी के साथ जाना है मुझे। चेकअप है या कुछ और? कुछ और क्या अम्मा? पता नहीं क्या, तुम लोग बातें छुपा रहे हो ना मुझसे। अल्लाह ना करे बच्ची बीमार हो, उसका ऑपरेशन हो, मुझे बगैर बताए सब कुछ निपटा दोगे तुम? आपको बगैर बताए सब कुछ निपट जाए तो इसमें क्या बुराई है अम्मा? हाँ, तुम्हारा ईमान तो बस डॉक्टरों पर है, दुआओं की तो जरूरत ही नहीं तुम्हें, ना तुम्हें, ना तुम्हारे भाई को, ना तुम्हारी भाभी को। मुझे पता है कोई बात जो छुपा रहे हो तुम मुझसे। सुबह से धड़का लगा हुआ है मुझे। हम, आप दुआ करें ना। सुनो, मैं भी चलती हूं तुम्हारे साथ। ऐसा कुछ नहीं है अम्मा, आप जैसा समझ रही, रूटीन का चेकअप है। आपको तो खामखा के धड़के लगे रहते। मैं शक्ल देख रही हूं ना तेरी, जब से तूने फोन सुना है तेरा मुंह उतरा हुआ है, रंग उड़ गया जैसे। ऐसा कुछ नहीं है अम्मा, बस ऐसे ही मेरा मूड ऑफ हो गया, मैंने तो कुछ और प्लान किया हुआ था। देख, सारी जिंदगी तूने झूठ बोला है मुझसे, अब बच्ची के लिए झूठ मत बोल। जो कुछ भी है मुझे सच सच बता दे। सुबह से मैं देख रही हूँ तेरा भाई आंखें चुरा रहा है, अब तू भी आंखें चुरा रही है, बात क्या है आखिर? ऐसा कुछ नहीं है अम्मा, आप परेशान मत हो। तेरा भाई तो कह रहा था कि एक दो दिन में वो वापस आ जाएगी। आयशा से कहना कि अम्मा जानेमाज पर बैठी है संगत के इंतजार में, ना खा रही हैं, ना पी रही हैं, ना इंसुलिन लगा रही हैं। अगर मर गई ना तो खून आयशा के सर पर होगा। Oh, my God.
मेरी बेटी, तुम अपना ख्याल रखना, अल्लाह तुझे खुश रखे। खाला, मैं जानता हूं आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ करना, मैंने आपको बहुत दुखाया। मेरी बेटी का ख्याल रखना शावेज, ये मेरी इकलौती खुशी है, ये खुश रहेगी ना तो मेरे दिल से दुआएं निकलती रहेंगी तुम्हारे लिए। जिसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा, मैं उसे सब कुछ दूंगा। आंटी, मैं तुम्हें यहां से रुखसत नहीं करूंगी। आंटी, अगर आप बुराना मनाए तो यहीं ठहर जाए, मैं बाबा से मिल लूं, वो आपके सामने रो नहीं पाएंगे। चलो। अंकल, हम जा रहे हैं। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आप आएंगे ना हमसे मिलने? नहीं बेटा, अब मेरे पास इतना वक्त नहीं बचा है कि मैं आ सकूं। जितना भी वक्त है वो अपने अल्लाह और पौधों के साथ ही गुजारना है। मेरी खातिर जाओ बेटा, देर हो रही है, तुम जाओ, मैं आपका इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज़। बाबा, बाबा मुझे पता है आप मुझे गले नहीं लगाएंगे, और ना ही मैं इस काबिल हूं कि इसकी ख्वाहिश करूं। लेकिन खुदा के लिए बाबा, एक बार मुझे अपने अपने पैरों में बैठने दे, शायद मुझे सुकून मिल जाए। हो सके तो मुझे माफ कर देना अब्बा, वरना मुझे कोई और माफ नहीं करेगा।
जाओ, तुम्हें देर हो गई। बाबा, बाबा हो सके तो मुझे माफ कर देना बाबा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मौलवी कहता है, मौलवी कहता है कि बाप की रजा में खुदा की रजा होती है। अगर आप मुझे माफ कर दें बाबा, हो सकता है खुदा भी मुझे माफ कर दे। खुदा तुम्हें सुकून दे। जावेद ने तुमसे वादा लिया था कि संगत की खातिर तुम कोई बच्चा पैदा नहीं करोगे, मत करना ऐसे। वो तो एक मर्द है, वो भी वैसा मर्द जो हैवान से भी बदतर होता है। सजा है माई, सजा है, सजा है माई, सजा है। क्या कर रही हो फरा? क्या करूं मैं भाभी? हौसला देने के लिए बुलाया था तुम्हें, ऐसा तो तुम मुझे भी तोड़ दोगी। मैं आपकी कोई दोस्त नहीं हूं, ना कोई पड़ोस हूं, ना कोई कलीग जो आपको झूठी तसल्लियां दो। मैं भी आपकी तरह सोग में बैठी। सोग क्यों फरा? हम इसे रुखसती की तरह भी तो ले सकते हैं। बेटियों ने एक न एक दिन तो अपने घर जाना ही होता है, यही समझ लेंगे। संगत हमारी वक्त से पहले अपने घर चली गई है। ये झूठी तसल्लियां आपको डॉक्टर दे सकती, मैं नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं भाभी के दूसरा हाल है। मैंने तुम्हारी बात की थी उससे, मगर उसने कहा कि हमारी सोसाइटी में अकेली औरत खुद को संभालने बड़ी बात है। वो तो ऐसी बातें करेगी ना भाभी, क्योंकि वो मुझे नहीं जानती। आप तो जानती है ना मुझे, उसकी बला से बच्ची किसी की भी गोद में जाए, उसकी पेशेंट आप है, वो आपको रिलीफ देगी ना। उसने तो मुझे कुछ और ही कहा है। क्या? उससे कहा है कि अदनान से डिवोर्स ले लो और अपनी बच्ची को संभालो। अच्छा, तो ऐसा क्यों नहीं किया आपने? पागल हो गई हो तो? आपको नाम की बड़ी है ना। मेरी एक दोस्त है कॉलेज में जिसने अपने नाम के साथ अपने नाना का नाम लगाया। नफरत करती थी वो अपने बाप से, उसे चोट के आ गई थी। उसने अपने बच्चों के नाम के साथ भी नहीं लगाया उसका नाम, ऐसा भी तो हो सकता है ना भाभी? यार बस कर दो फरा, हल्टी मिल्टी ऐसे ही होना है भाभी। आज आप भाई से डिवोर्स नहीं ले रही, कल वो खुद ही आपको दे देगा और फिर आप इसके बगैर रह नहीं सकेंगी। तुम प्लीज जाओ यहां से,
जाओ परा। मैं सच कह रही हूं भाभी, झूठी तसल्लियां क्यों दूं मैं आपको? शाबीर चांद पे नहीं लेके जा रहा आपकी बेटी को, जो आप कांटेक्ट नहीं कर सकेंगी उसे, तलाश करेंगी इसे, चोरी छुपके मिलती रहेंगी, और कल को कोई नई कहानी बन गई तो फिर जब इस बच्ची को सब पता चलेगा तो आधी इधर होगी और आधी उधर, और आपका भी यही हाल होगा। भाभी मर्द को आधी अधूरी औरत नहीं चाहिए होती, उठाकर फेंक देगा वो आपको। और अदनान भाई तो एक तरफ मेरी मां आपकी जिंदगी जहन्नुम बना देगी, वो नहीं मानेगी आपके इस झूठ को जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। यार तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? क्या लगता है आपको, आप कहेंगी कि बच्ची चोरी होगी और इतनी आसानी से मेरी अम्मा मान जाएंगी? इतना बेवकूफ समझती हैं आप उन्हें, आसमान सर पे उठा लेंगी वो। ये पुलिस कचहरी, ये सब चीजें एक तरफ, तावीज गंडे सारे पीर फकीर आपके गले पड़ जाएंगे, और वो बाबा जी जिस पे आप भी बिलीव करती हैं, उसे अपना झूठ कैसे छुपाएंगी आप? तुम जाओ यहां से, तो मेरी हेल्प नहीं कर सकती ना, तो जाओ। भाभी आपका ये सच सबके सामने आ जाएगा, और जब अम्मा को पता चलेगा कि आपके साथ ये गलीज हरकत हुई है, तो इस हरकत को नहीं वो आपको गलीज समझेंगी। तो मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? हाथ जोड़ती हूं तुम्हारे आगे, जाओ यहां से। भाभी आप मेरी बात सुने, मैंने कहा ना जाओ यहां, जाओ यहां से, जाओ, छोड़ दो मुझे अकेला। जिसे ढूंढ चली मैं के निकल क्यों सांस से आगे अपनी गई मैं जो ठहर गई जरा धड़कने तो क्या हुआ मेरा क्या हुआ फरा? संगत को लेने आए? जी। क्यों? क्यों फरिश्ता बन रहे हैं? मेरे ख्याल से आप सब कुछ जानती हैं। मैं सब कुछ जानती हूं, लेकिन आपका फरिश्ता बनना समझ नहीं आ रहा मुझे। बहुत प्यारी है मुझे। वो कोई खिलौना नहीं है, जीती जागती इंसान है जिसके साथ बहुत सारे सवाल लगे हैं। आज ही आपकी नई नमीरी दुल्हन जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कल को कोई मसला हो गया तो फिर एक दफा सोच लें आप। सोच लिया मैंने, एक दफा मेरे कहने पे फिर से सोच के, क्योंकि वो बच्ची जितनी प्यारी मुझे है उतनी आपको नहीं हो सकती। आप परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हूं मैं, क्योंकि मैं एक औरत हूं, उसकी माँ ये जिम्मेदारी मुझे नहीं दे रही, लेकिन आपको कल को कोई प्रॉब्लम हो उसकी वजह से, कोई परेशानी हो तो उसे बेकार समझ के कहीं फेंकने से बजाय आप प्लीज मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपकी सारी टेंशन खत्म कर दूंगी, मैं अपना कांटेक्ट, ईमेल, आपको सब कुछ दे दूंगी, और मैं प्रॉमिस करती हूँ ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी, किसी को नहीं पता चलेगा। मैं आपको नंबर दे। Thank you.
तुम इससे बेशक प्यार मत करना, मगर इस पे तर्स जरूर खाना। इस बच्ची के साथ भी उतनी ज्यादती हुई है जितनी उसकी मां के साथ। एक बात बताओ, तुमने इसे दिल से कबूल किया या शावेस के डर से? मैं इसे तोहफा समझकर कबूल कर रही हूं, शावेस की मोहब्बत का पहला तोहफा जो वो मुझे दे रहे हैं। यानी ये शावेज की मोहब्बत के साथ बंधी है। जिस दिन तुम शावेज से नफरत करने लगोगी, तुम इससे भी नफरत हो जाएगी। मुझे शावेज से कभी नफरत नहीं हो सकती। मुझे उनसे पहले नफरत थी, लेकिन फिर वो नफरत मोहब्बत में बदल गई। और जिस मोहब्बत की शुरुआत नफरत से हो वो कभी खत्म नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो नफरत कभी खत्म नहीं होती जिसकी शुरुआत मोहब्बत से हो। शावेस ने तुमसे वादा लिया था कि संगत की खातिर तुम कोई बच्चा पैदा नहीं करोगे, मत करना ऐसे। वो तो एक मर्द है, वो भी वैसा मर्द जो हैवान से भी बदतर होता है। बुरा लगा तुम्हें? नहीं, आप कह सकती हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची की खातिर तुम अपनी औलाद से महरूम रहो। वादा करो तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं शावेस से क्यों वादा नहीं तोड़ सकती? सारी इज्जत, शराफत नंगे हो गए हो तुम मेरे सामने। तुम्हारा एक एक कपड़ा उतर चुका है, तुम्हारा असल चेहरा मेरे सामने आ चुका है। तुम्हारी पसंद की खीर
सुबह बनाई थी। आशी से कहकर गई थी कि जब तुम आओ तो तुम्हें खिला दे मेरी तरफ से। अब ये मेरी किस्मत कि तुम्हें अपने हाथों से खिला रही हूं, वरना मैं तो सोचती थी कि कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। खाओ। फिर तुम कभी नहीं आओगे इस तरफ। पता नहीं मुझसे क्यों रब्ता खत्म करना चाहते हो। मैं उन सब से रब्ता खत्म कर रहा हूं जिनका संगत से कोई ताल्लुक है। ये वादा किया मैंने उसकी मां से, क्योंकि वो उसे ताल्लुक नहीं रखना चाहते। हो सकता है मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं। ये सब तुम उस बच्ची के लिए कर रहे हो। जी आंटी, क्योंकि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया। जिंदा रहने की वजह थी है। उसके अलावा मुझे जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं थी। तुमने अपना कोई इंतजाम किया? हो जाएगा कुछ ना कुछ। सुनाए अल्लाह मालिक है। मैं कुछ हेल्प कर दूं? आपने पहले बहुत कुछ किया। कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। जो कुछ तुमने किया उसके बाद तो लगता है जैसे मैं कुछ भी नहीं कर सकी तुम्हारे लिए। आप बस बाबा का ख्याल रखिए, से मिलती रहे। देर हो रही है। नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती। मैं आशी मेरी जान, मैं संगत के बिना नहीं रह सकती। मैं जाने दे मुझे। आशी आशी संभालो खुद को बेटा। जाने दे, मेरे सांस बंद हो रहे हैं, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। आशी अब मेरे चली जाएगी, मुझे जाने दे खुदा के लिए। मुझे जाने दे, प्लीज जाने दे। आज तुम्हारे लिए और उसके लिए यही बेहतर है। कुछ
ठीक नहीं है, मैं नहीं रह सकूंगी। तुम अपनी जान का क्या करोगी? छोड़ दूंगी, छोड़ दूंगी उसे। तुम लोग गए क्यों नहीं अभी तक? अदनान भाई ने रोक लिया। अच्छा वैसे बात करनी होगी। चलना चाहिए, देर हो रही है। बस थोड़ी सी देर यार। अनान भाई, बस उतना ही टाइम लूंगा जितना टाइम तुमने लिया था इस कमरे में। कुछ याद है तुमने कितना वक्त गुजारा यहां? एक बेबस औरत के साथ? इसी तरह तुमने दरवाजा बंद किया होगा, है ना? इसी तरह धक्का दिया होगा उसको। ऐसे ही तुमने अपनी मर्दानगी दिखाई होगी कि तुम कितने ताकतवर हो, और अगर उसने तुम्हारी दरिंदगी के सामने जरा सी भी कोशिश की तो तुम उसे मार दोगे। देख रही होगी वो तुम्हें खौफ से, हैरत से, बेपर्दा होने का खौफ जो उस वक्त उसकी आंखों में था। और इस वक्त तुम्हारी आंखों में उसकी हंसी, शोखी, उसका दिल, उसकी रूह। गला घोंप दिया तुमने उसका, और उसके साथ साथ मेरा भी। तुम्हारी सारी इज्जत, शराफत, मोहब्बत नंगे हो गए हो तुम मेरे सामने। तुम्हारा एक एक कपड़ा उतर चुका है, तुम्हारा असल चेहरा मेरे सामने आ चुका है। Thank you.
उसे मार दिया है, मार दिया मैंने उसे। पहले उसने तुम्हें मुझसे छीना और अब वो मुझसे संगत छीनने लगा था, इसलिए मैंने मार दिया उसे। मुझे संगत दो, कितने दिन हो गए मैंने उसे पकड़ा नहीं। डैडी ने सब कुछ ठीक कर दिया है। सुर में अखियों में एक सपना दे जा रे, सुर में अखियों में नन्ना एक सपना दे जा रे, दारी दारू दारी दू दारी दारू।